हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देखिए जरा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के कंपैरिजन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके दे रखे हमने मटेरियल के अंदर, और ये थ्योरी वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर थ्योरी लिखने को आ सकता है। और अभी आप क्या करेंगे, आप मेरे लेक्चर के अंदर जो मैं वर्ड्स यूज करने वाली हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, उससे अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कीजिएगा। सेकेंडली, मैं यहाँ पे पढ़ाते वक्त फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाऊंगी बना बना के थ्योरी को ही, उसको भी आप साइमल्टेनियसली कॉपी करते रहिएगा, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनिएगा। इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसेप्ट के अंदर हम लोग कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं प्राइमरली। वैसे हम बहुत कुछ ढूंढते हैं, बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन हम प्राइमरली किसको असर्टेन करते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। किसकी कॉस्ट ढूंढते हैं भैया, किसकी कॉस्ट आपको जाननी है कि हाँ भाई कितना खर्चा होगा। खर्चा लिख रही हूं मैं यहाँ पे, वैसे खर्चा तो एक्सपेंडिचर होता है एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, बट फिलहाल मैं साइमल्टेनियसली यूज कर रही हूँ वर्ड को। कॉस्ट, खर्चा कितना हो रहा है किसके ऊपर, या तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है उसको असर्टेन हम करते हैं। एक साल का खर्चा असर्टेन करते हैं, दो साल का खर्चा जोड़ते हैं, तीन साल का कितना खर्चा होगा, चार साल का कितना खर्चा होगा, कितने सालों का खर्चा हम यहाँ पे जोड़ के कंप्यूट करते हैं। तो आंसर ये है ओवर इट्स प्रोजेक्टेड लाइफ। अब ये ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस लेक्चर का, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द लेक्चर। जो प्रोडक्ट है इसकी जो पूरी लाइफ है, लाइफ, लाइफ का मतलब क्या, इंसेप्शन से लेकर अबंडनमेंट तक, मतलब जब आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं फलाना प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचूंगा, फलाना प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, ये दिमाग में ख्याल आया, फ्रॉम द मोमेंट आपके दिमाग में ख्याल आया, उस दिन से जो खर्चा इस प्रोडक्ट के ऊपर होगा, रिसर्च के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, मार्केटिंग के नाम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, प्रोडक्शन के नाम पे, जिस जिस कारणों से भी इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा होगा, जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट से ही आउट नहीं हो जाता, इस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ये प्रोडक्ट पूरा अबेंडन नहीं हो जाता, पूरा मार्केट से आउट नहीं हो जाता, तब तक इस प्रोडक्ट के ऊपर इस प्रोडक्ट की लाइफ बोलेंगे हम, इस प्रोडक्ट की इसको लाइफ बोलेंगे हम, लाइफ स्पैन बोल सकते हैं, लाइफ भी बोल सकते हैं। जब ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि मैं ये फलाना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगा, और जब तक प्रोडक्ट मार्केट से आउट नहीं हो जाता तब तक इसको लाइफ बोलते हैं पूरा, जिसमें कई कैलेंडर ईयर्स भी आ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई मोटर व्हीकल की बात करते हैं, मोटर व्हीकल कंपनी है, वो एक कार लॉन्च करने जा रही है, उसके बारे में भी सोचा है, सोचा है, इंसेप्शन के स्टेज पे हम लोग हैं। अभी आप सोचा है तो अभी तो गाड़ी के बारे में रिसर्च होगी, उसका फिटनेस टेस्ट होगा, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसकी प्रोडक्शन तक आते आते बहुत टाइम लगेगा अभी, उसके बाद प्रोडक्शन होगी, फिर मार्केट में बिकेगा, और चार पांच साल के बाद कई गाड़ियां मार्केट से आउट भी हो जाती हैं। तो एक जो गाड़ी होती है वो नॉर्मली 5 से 7 साल में बन, मतलब रिसर्च से लेके मेच्योरिटी हो जाती है, उसकी मेच्योरिटी हो जाती है, मतलब वो मार्केट से आउट भी हो जाता है प्रोडक्ट, फिर नई गाड़ी आ जाती है मार्केट के अंदर। तो ये 5 से 7 साल इस गाड़ी का लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब इस गाड़ी की प्रोजेक्टेड लाइफ है, हमने प्रोजेक्टेड लाइफ निकाली है कि हाँ भाई ये गाड़ी आज सोचने से लेके मार्केट से आउट होने तक 5 से 7 साल का ड्यूरेशन है। इस पूरे ड्यूरेशन में इस गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा होगा, कब कब होगा, इस कंप्यूटेशन को बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नंबर टू, सिर्फ खर्चा ही कंप्यूट करना है या और भी कुछ कंप्यूट करना है, और भी कुछ कंप्यूट करना है, खर्चा भी कंप्यूट करना है, रेवेन्यू भी कंप्यूट करना है, आपको इसके अंदर सेल्स लेवल,
कब कब कितनी कितनी किस किस स्टेज पे सेल्स होंगी वो कंप्यूट करना है, आपको डेवलपमेंट कॉस्ट कंप्यूट करनी है, इसके अंदर रिसर्च के लेवल पे कितना खर्चा होगा वो सब कंप्यूट करना है, डिजाइनिंग के बारे में कंप्यूट करना है, ये सब कुछ आपको कंप्यूट करना है। पर प्राइमरली हम इसके अंदर कॉस्ट एंड रेवेन्यू को असर्टेन करते हैं। सुना आपने क्या बोला मैंने, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को असर्टेन करते हैं ओवर प्रोजेक्टेड लाइफ फ्रॉम द इंसेप्शन टू द अबेंडनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं छोटा सा दो फ्लो चार्ट बना रही हूँ, एक ये बनाया मैं दोबारा से बना देती हूँ और एक और, उससे पहले आप लिखेंगे फिर आगे का पढ़ाती हूँ, ठीक है। लिखिए जरा दोबारा से हेडिंग लिख रही हूँ एक बार, और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एक्चुअली क्या है, ये सब थ्योरी का ही पार्ट है, उसी को मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में कर दिया कि बच्चे थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर सकें। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ओवर इट्स प्रोजेक्टेड लाइफ ट्रैक्स कॉस्ट रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंसेप्शन टू अबंडनमेंट। आगे भी लिखिए, टर्मिनोलॉजी लाइक क्रेडल टू ग्रेव, वूम टू टॉम्ब मीन्स मीन्स कैप्चरिंग ऑल कॉस्ट associated from initial to final stages। इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं समझाती हूं उसको। हाँ जी, ये देखिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, भाई लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में यही बताया आपको मैंने अभी कि इट इज एन असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। किसकी कॉस्ट हम यहां निकाल रहे हैं, क्या हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी हम कॉस्ट ढूंढ रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट ढूंढ रहे हैं साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं आप तो उसकी कॉस्ट हम ढूंढ रहे हैं, एक साल की ढूंढ रहे हैं, दो साल की ढूंढ रहे हैं, तीन साल की ढूंढ रहे हैं, या पूरी प्रोजेक्टेड लाइफ जो उसकी है उसकी ढूंढ रहे हैं, प्रोजेक्टेड लाइफ में कितना खर्चा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टेड लाइफ, इंसेप्शन से लेके जब आपके दिमाग में ख्याल आया था कि मैं फलाना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा मार्केट में, वहां से लेके जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट से आउट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता मार्केट से, अबेंडनमेंट तक, उसको बोलते हैं पूरी प्रोजेक्टेड लाइफ। हम लोग क्या क्या ट्रैक करते हैं, कॉस्ट भी ट्रैक करते हैं, रेवेन्यू भी ट्रैक करते हैं, एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंसेप्शन टू अबेंडनमेंट। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को, हम लोग इसे पीएलसीसी भी बोलते हैं, पीएलसीसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग।
टर्मिनोलॉजी लाइक क्रेडल टू ग्रेव, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ पालने में है जब तक वो मर नहीं जाता, ग्रेव नहीं पहुंच जाता, वूम्ब पेट, क्रेडल छोड़ो पेट में जब बच्चा आया और जब क्या कहते हैं कब्र तक नहीं पहुंच जाता, टॉम तक नहीं पहुंच जाता, ये सब टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब पेट में बच्चा आया तब से लेके जब तक बच्चा मर नहीं जाता तब तक, ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रॉम द टाइम यू हैव गॉट योर चाइल्ड इन योर वूम टिल द टाइम इट डजंट, मतलब द पर्सन डजंट डाई, तब तक का जो ये पूरा लाइफ साइकिल है, ऐसे एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी होती है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मतलब टिल द टाइम वो आपके दिमाग में प्रोडक्ट का आइडिया आता है, देन इट वो प्रोडक्ट का आइडिया आप डेवलप करते हो धीरे धीरे, फिर उसके बाद मार्केट में लॉन्च करते हो, फिर आगे हम स्टेज, अभी हम स्टेजेस की बात करेंगे, एंड एक डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है, एक मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है। तो तब तक ये सब मन कर, ये सब मीनिंग क्या करता है कि हमें ये पूरी लाइफ साइकिल पूरा जब फ्रॉम द क्रेडल स्टेज टू द क्या कहते हैं ग्रेव स्टेज तक हमें कैप्चर करनी है सारी कॉस्ट एसोसिएटेड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल स्टेजेस। इसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जिसमें हम सारी कॉस्ट को हम निकालते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात है कि हम एक कैलेंडर ईयर की नहीं निकाल रहे, हम लोग डिफाइंड प्रोजेक्टेड लाइफ की पूरी कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और लिखिए पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं। पीएलसीसी पैटर्न ऑफ, ये सब बेटा बात तो ना मोटी मोटी यही है सारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, लेकिन फिर भी हमें राइटिंग के लिए वर्ड्स चाहिए होते हैं, वो सब वर्ड्स यही हैं जो मैं लिखवा रही हूं। ठीक है, लिखिए जरा, सेल्स लेवल, रेवेन्यू, प्रॉफिट ओवर अ पीरियड फ्रॉम न्यू आइडिया जनरेशन टू डिलीशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट रेंज। आगे एक और चीज लिख लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल लिखिए प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मैं बताऊंगी कैसे। मोटर व्हीकल 5 to 7 ईयर्स, फार्मास्यूटिकल्स 7 to 10 ईयर्स, करैक्टरिस्टिक्स ट्रेसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओवर सेवरल कैलेंडर ईयर थ्रू आउट एंटायर लाइफ साइकिल। थोड़ा सा और लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। ट्रेस रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट कॉस्ट कंपेयर, दिख रहा है आपको, थोड़ा ऊपर कर देती हूं, कंपेयर विद प्रोडक्ट रेवेन्यू। लिख लीजिए, मैं समझा रही हूं, एक्सप्लेन कर रही हूं सारा आपको। हाँ जी, देखिए जरा, देखिए जरा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बेसिकली मतलब हम ये चेक कर रहे हैं, पैटर्न चेक कर रहे हैं
पैटर्न का क्या मतलब होता है? पैटर्न का मतलब है कि कब कितना कितना हो रहा है, मतलब कब ज्यादा है, कब कम है, कब ज्यादा है, कब कम है, ये पैटर्न हम चेक करते हैं एक्सपेंडिचर का भी, सेल्स लेवल का भी, रेवेन्यू का भी और प्रॉफिट का भी। मतलब जो एक प्रोडक्ट की लाइफ है पूरी, उस लाइफ के दौरान कब कब खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जब खर्चे ज्यादा हो रहे हो तब सेल्स भी ज्यादा हो। यस, जब खर्चे ज्यादा हो रहे हो सकता है उस वक्त सेल्स हो भी ना रही हो, और जब खर्चे बहुत कम हो रहे हो सकता है हमारी सेल्स बहुत ज्यादा हो रही हो। मैं यही एक्सप्लेन करूंगी, अभी दो मिनट का वक्त और दीजिए। हमें पैटर्न चेक करना है कि खर्चों का, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का, प्रॉफिट का क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ पीरियड फ्रॉम द न्यू आइडिया जनरेशन टिल डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट रेंज। जब दिमाग में आइडिया आया और जब प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गया बिल्कुल, तब तक के लिए पूरा जो ड्यूरेशन है प्रोडक्ट की लाइफ है, उस दौरान खर्चे कब कब, क्या पैटर्न है उसका, कब ज्यादा खर्चे होंगे, उस वक्त रेवेन्यू क्या हो रहा होगा, सेल्स लेवल कितनी हो रही होंगी, ये सब का हम पैटर्न इसमें देखते हैं। प्रोडक्ट्स पीएलसीसी का एग्जांपल अगर हम दें, जैसे मोटर व्हीकल वाले कंपनी मोटर लॉन्च करते हैं, मतलब कोई कार लॉन्च करते हैं या कुछ भी करने का सोचते हैं, तो ये पूरा 5 से 7 साल का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, सोचने से लेके, प्रोडक्ट बनाने से लेके, उसको मार्केट में लॉन्च करने से लेके, फिर उसकी सेल्स बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं, गिरती भी हैं, और एक दिन मार्केट से वो प्रोडक्ट बाहर हो चुका होता है। तो ये एग्जांपल है कि भाई मोटर व्हीकल्स वाली कंपनियों के लिए लाइफ साइकिल जो है वो 5 से 7 साल का होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोई दवाई लाती है तो वो 10 साल उसका साइकिल होता है, फिर नई कोई दवाई आ चुकी होती है, फिर वो दवाई मार्केट से आउट हो चुकी होती है। एयरटेल आइडिया वाले कोई पैकेज लॉन्च करते हैं तो 1 साल 2 साल के अंदर वो आउट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट्स। करेक्टरिस्टिक्स ट्रेसिंग, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ट्रेस करते हैं, मैं आपको पहले बताई चुकी हूँ, ओवर सेवरल कैलेंडर ईयर्स थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल। 1 साल की कॉस्ट असर्टेन नहीं होती यहाँ पे, सेवरल ईयर्स की कॉस्ट असर्टेन होती है। अच्छा, हम इसमें ये भी देखते हैं कि रिसर्च के टाइम पे क्या खर्चा हो रहा है, डिजाइनिंग के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे क्या खर्चा हो रहा है, उसको कंपेयर करते हैं हम रेवेन्यू से, प्रोडक्ट के रेवेन्यू से हम कंपेयर करते हैं। अब जो मैंने आपको ये समझाया है फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, ये बेसिकली स्टार्टिंग थी, ठीक है। अब ये है मेन हमारा थ्योरी पोर्शन, इसके आगे से मैं यहीं से चलने वाली हूँ। देखिए मैं क्या चलने वाली हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको, प्रोसेस को बढ़ा देती हूँ। अब आपको सारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी यहीं से, देखिएगा प्लीज। हाँ जी, ये देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एम्स एट, जो मैंने पढ़ाया वो यहां तक का ये खाली अभी तक, ठीक है। इसके बाद मैं आप स्टेजेस समझाऊंगी, स्टेजेस, तो उससे पहले एक बार इसको फटाफट फुल स्पीड पे रीडिंग कर लेते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एम्स एट कॉस्ट असर्टेनमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा ओवर इट्स प्रोजेक्टेड लाइफ। इट इज अ सिस्टम that tracks and accumulates actual cost and revenue attributable to cost object from its inception to abandonment. अब देखो इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ ना पैराग्राफ फॉर्म में, और यही चीज हमने जब यहां लिखी तो बड़ा कैजुअल सा लग रहा था, यही चीज लिखी है मैंने, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की ओवर इट्स प्रोजेक्टेड लाइफ। ट्रैक करते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का इंसेप्शन से अबेंडनमेंट तक। आगे देखिए जरा, समटाइम्स द टर्म cradle to grave costing, womb to tomb costing convey the meaning of fully capturing all costs associated with product from its initial to final stages. Meaning of product life cycle costing, हम इसमें क्या करते हैं life cycle costing के अंदर, product की हम उस product का expenditure, revenue, sales, profit सबका pattern देखते हैं, 1 साल का नहीं पूरा projected life का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, सेल्स लेवल, रेवेन्यू, प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ न्यू आइडिया जनरेशन टू द डिलीशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्पैन्स द टाइम फ्रॉम इनिशियल R&D ऑन द प्रोडक्ट टू व्हेन द कस्टमर सर्विसिंग एंड सपोर्ट इज नो लॉन्गर ऑफर्ड। ये मैं अभी समझाती हूँ आपको। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक मोटर व्हीकल दिस टाइम स्पैन में बी 5 to 7 years, फॉर बेसिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज टाइम स्पैन में बी 7 to 10 years। करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अभी हमने अभी आपको समझाई है। करेक्टरिस्टिक बेसिकली यही है कि हम लोग ट्रेस करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू को सेवरल कैलेंडर ईयर्स का, पीएलसीसी का
ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ट्रेस करते हैं रिसर्च का खर्चा, डिजाइन का, डेवलपमेंट का, और हम उसको फिर कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के रेवेन्यू से। अच्छा जी, अभी मैं समझाती हूँ सर क्या मीनिंग है ये वाला लाइन का। नीचे वाले ये जो पूरा चार्ट है इससे आपको उसका समझ आएगा मतलब। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो बेटा क्या है कि जब आप एक प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो कि यहाँ हाँ मैं ना फलाना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आऊंगा, अभी आपने सिर्फ सोचा है, अब आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर लेकर रिसर्च करनी पड़ेगी। आप कई सारे मशीन्स को खरीदेंगे, कुछ मशीन्स कई बार काम खरीद तो लाते हैं पर फायदा उसका मिलता नहीं है, फिर आप सोचते हैं यार मैं बेकार में खरीद लाया, और मशीन भी खरीद के लानी पड़ेगी। फिर आप स्टाफिंग करते हैं, कुछ स्टाफ काम का होता है, कुछ स्टाफ काम का नहीं होता, फिर हटाते हैं, फिर दोबारा अपॉइंट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं ना, नया प्रोडक्ट है, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ वर्क करेगी और क्या चीज़ वर्क नहीं करेगी। ये जो आप शुरुआत की जो स्टेज है इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज पे माल नहीं बिकता, अभी तो बन रहा है। इस स्टेज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बहुत तगड़ा होता है। खर्चा हो रहा है और सेल्स नहीं हो रही, यस खर्चा बहुत तगड़ा और सेल्स बिल्कुल ना के बराबर। तो यहां देखिए जरा, और एक और चीज, ये जो इंट्रोडक्शन स्टेज है इसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में भी आम जनता जानती ही नहीं है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं स्पेशल प्रोडक्ट, तो आपको बहुत तगड़ी प्रमोशन एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, बहुत तगड़े एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं, तब भी कोई माल खरीदता नहीं है शुरुआत में। तो यहाँ पे आपका प्रमोशनल एक्सपेंसेस बहुत तगड़े होते हैं, हाई लेवल्स। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये वाला कॉलम देखिएगा, हेडिंग रेशियो ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस टू सेल्स, सेल्स बिल्कुल ना के बराबर है, और देखिए हाईएस्ट, क्या चीज हाईएस्ट है, ड्यू टू एफर्ट नीडेड टू इन्फॉर्म द पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट टू द कस्टमर्स। अब एक और चीज, आपका प्रोडक्ट नया नया है मार्केट में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा कि कस्टमर तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए। तो अभी तो बिका नहीं है प्रोडक्ट और पहले खर्चे इतने तगड़े हो रहे होते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन लेवल है जिसमें प्रमोशनल एक्सपेंसेस बहुत तगड़े होते हैं, आपका क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा बहुत तगड़ा होता है और सेल्स ना के बराबर होता है बिल्कुल। अच्छा इस वाली हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा स्टेज चल रहा है हमारा, इंट्रोडक्शन स्टेज, शुरुआत का स्टेज प्रोडक्ट की लाइफ का। अब शुरुआत की स्टेज में कंपटीशन कैसे हो जाएगा, अभी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं, आपकी खुद का प्रोडक्ट है, आपने खुद कंसीव किया, ये आपका अपना बच्चा है, आप अभी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लोग जानते ही नहीं है, कस्टमर तो जानते नहीं है, तो कॉम्पिटिटर्स कैसे आ जाएंगे। जब आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा, मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा, डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, तब और लोगों को भी लालच आएगा कि क्यों ना हम भी ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, पर शुरुआत में कॉम्पिटिटर्स होते ही नहीं है इसमें, इनसिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल, प्रॉफिट्स तो नील ही है ड्यू टू हाई इनिशियल कॉस्ट। एक दुक्का माल बिक भी गया शुरुआत में, लेकिन आपकी रिसर्च डेवलपमेंट प्रमोशनल एक्सपेंसेस इतने तगड़े हो चुके होते हैं कि आपका वो रेवेन्यू तो बहुत थोड़ा सा, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं स्टेज पे। तो क्या माल बनाए ना, बनाएंगे ना, अभी इनिशियल स्टेज में नुकसान होता है, आगे चल के प्रॉफिट होता है, इसी को तो समझना है कि सिर्फ बीच की स्टेज प्रॉफिट पहले दिन से कैसे हो जाएगा, अभी तो हमने शुरू किया कंपनी, रहता मैं बोलूंगी प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है। अच्छा यहाँ ये सेल्स वॉल्यूम, इनिशियल स्टेजेस में सेल्स वॉल्यूम बहुत लो होते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, शुरुआत में प्राइस हाई रखा जाता है टू कवर द इनिशियल कॉस्ट एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, हाई कॉस्ट रहती है, मतलब सेलिंग प्राइस अब हाई रखते हो शुरुआत में। मैम फिर माल बिकेगा कैसे, अभी वेट करो, अभी तो आप प्रमोशन कर रहे हो, शुरुआत में कॉस्ट हाई रखी है, अब हम कॉस्ट को लो भी करेंगे, रुकिए। अब जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में पता चलना शुरू होता है, दिस इज द ब्यूटिफुल स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। यही है वो स्टेज जिसकी उम्मीद के लिए आपने ये सारा स्यापा फैलाया है। यहाँ पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए जरा, सेल्स की बात करें, राइज इन सेल्स लेवल एट इंक्रीजिंग रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग रेट मतलब अगर पिछले हफ्ते आपके 10,000 यूनिट्स बिके हैं तो इस हफ्ते 20,000 यूनिट्स बिके हैं, 100% इंक्रीज हुआ, अगले हफ्ते हो सकता है हमारे 40,000 बिके, 50,000 बिके, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज और भी बढ़ता जाता है। अगर एक हफ्ते में
ढाई गुना बढ़ा है हमारा सेल्स, तो अगले हफ्ते हो सकता है हमारा 3.5 गुना बढ़ जाए। तो सेल्स बढ़ भी रही है और ज्यादा स्पीड से हर हफ्ते बढ़ रही है, ये वो स्टेज आ जाती है क्योंकि माल लोगों को अच्छा लगने लगा है। अच्छा आगे सुनिए, अभी भी हम प्राइजेस यहाँ पे हाई रखते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अभी आए नहीं, आने वाले होते हैं, मतलब अभी भी हमारा माल अच्छा बिक रहा होता है हाई लेवल पे, हाई सेलिंग प्राइस भी होता हमारा। कुछ सर्टेन केसेस में सेलिंग प्राइस कम किया जाता है, उसकी भी डिस्कशन होगा। ग्रोथ स्टेज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रोथ स्टेज पे सेलिंग प्राइस आपका हाई रहता है, अब पहले भी हाई था इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी, सर्टेन केसेस में हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, हम कम करते हैं। लेकिन मैं अभी उसका डिस्कशन करूंगी किन सिचुएशंस में ही सेलिंग प्राइस ग्रोथ स्टेज में कम करते हैं। ग्रोथ स्टेज में सेलिंग प्राइस कम मत कीजिए, अभी तो लोग माल खरीद रहे अच्छा वाला, ठीक है। आगे सुनिए, रेशियो ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस टू सेल। अब यहाँ पे क्या है कि आपके प्रमोशन एक्सपेंसेस तो है ही, साथ में सेल्स भी अब बढ़ने शुरू हो गई है। टोटल एक्सपेंसेस रिमेन्स द सेम व्हाइल रेशियो ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स टू सेल्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स। मैम ये समझ नहीं आया, हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन का खर्चा चल रहा है लगातार, बट जब हम उसको एवरेज आउट करके निकाल रहे हैं कि पर यूनिट कितना खर्चा हो रहा है तो वो कम बैठ रहा है। मतलब हमारा तो प्रमोशन खर्चा वही चल रहा है 4 लाख रुपए मान लो, पहले सेल्स 1000 हो रही थी अब 1 लाख हो रही है, तो पर यूनिट हमारा खर्चा कम होता हुआ दिखना शुरू हो जाता है, सेल्स लेवल बढ़ रहे हैं इसलिए। कॉम्पिटिशन, अब एंट्री होनी शुरू होती है लार्ज कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि एक भैया माल बिक रहा है तो हम भी क्यों ना बना के बेचें। प्रॉफिट हमारा बड़े तगड़ी स्पीड से हो रहा होता है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, माल ज्यादा बिक रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा स्टेज है। अब कितने साल रहेगा वो आपके प्रोडक्ट के निर्भर है, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, ये ग्रोथ स्टेज में। फिर आपके प्रोडक्ट की स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आप सेल्स बढ़ रही हैं, अभी भी सेल्स बढ़ रही हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में जम गया है, लेकिन अब हर हफ्ते सेल्स उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही थी स्पीड से पिछले हफ्ते बढ़ रही थी, मतलब पिछले हफ्ते 2 गुना सेल्स बढ़ी, इस हफ्ते सिर्फ 1.5 गुना और बढ़ी है। मतलब हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है बट उसकी स्पीड जो इंक्रीजिंग रेट है वो नहीं इंक्रीज हो रहा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। राइज इन सेल्स लेवल एट डिक्रीजिंग रेट, ये बात समझ आई आपको? मैं दोबारा समझा देती हूँ, सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है बेटा, पिछले हफ्ते 1000 सेल हुई थी, इस बार 2000 सेल हो रही है, अगले हफ्ते 2000 हुई, अब फर्क है 1000 से 2000 मतलब 100% इंक्रीज, लेकिन अगले हफ्ते 2500 हुई तो कम रेट से बढ़ा, बढ़ तो रहा है सेल्स, 2500 सेल्स होंगे लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी सेल्स, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कारण बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स घुस आए थे ना मार्केट में, तो भैया उन्होंने तो फिर अब उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन हमसे मिल गई, हम क्या मार्केट में प्लांट मशीन यूज कर रहे हैं, रिसर्च सारी हमने करी, क्या कहते हैं, सारा डेवलपमेंट हमने करा, डिजाइनिंग हमने करा, हमसे इंस्पायर्ड होके हमारे कॉम्पिटिटर्स ने यही सेम जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, प्राइसिंग भी कम रखी तो हमको भी अब कम रखनी पड़ेगी, तो अब सेलिंग प्राइस भी गिरना शुरू हो गया ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। रेशियो रीचेज टू नॉर्मल लेवल ऑफ सेल्स, सच नॉर्मल लेवल बिकम्स द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अब सेल्स थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। कंपटीशन की बात करें तो बहुत तगड़ा कंपटीशन हो चुका होता है मैच्योरिटी स्टेज में आके। प्रॉफिट्स की बात करें तो नॉर्मल रेट्स ऑफ प्रॉफिट है, कोई बहुत हासू प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, चलता रहेगा ऐसा, 2-3 साल ऐसे भी खींचेगा। फिर आ जाएगी चौथी स्टेज विच इज टर्म्ड एज डिक्लाइनिंग स्टेज, अब आपका प्रोडक्ट मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, जितना बिक सकता है बिक जाएगा, इसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको ध्यान में आता है जो आया बहुत धूम मचाया और फिर आउट हो गया? मुझे अभी बात करते करते याद आया पेजर्स, याद है आपको पेजर्स आते थे, छोटे छोटे पेजर्स हर बंदे के यहाँ पे साइड में पेजर टंगा होता था, गले में टंगा होता था पेजर्स, जितने सभी ने खरीदा और फिर एक टाइम एकदम से वो मार्केट से आउट भी हो गया। तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, आया आइडिया दिमाग में, डेवलप किया, बेचा, ग्रोथ हुई, मेच्योरिटी हुई, डिक्लाइनिंग स्टेज में कम बिका और फिर मार्केट से आउट। अब फोर्थ स्टेज में सेल्स लेवल भैया आपके गिर रहे हैं, सेल्स लेवल ऑफ हो रहे हैं एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, अब सेल्स घटनी शुरू हो गई, कम कम सेल्स हो रही हैं हर हफ्ते। गैप बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट इज फर्दर रिड्यूस, ये क्या मतलब हुआ इसका? प्राइसेस की बात करें अगर हम लोग, सेलिंग प्राइस आपका कम होता जा रहा है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में गैप कम होता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है।
रिड्यूस सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स। हम प्रमोशन क्यों करेंगे भैया ज्यादा, जब हमको पता ही है कि मार्केट में इसको लेके ज्यादा खरीदार है नहीं, तो प्रमोशनल इंपैक्ट कम होना शुरू होता है और प्रमोशनल एफर्ट्स कम हो जाते हैं हमारे, प्रमोशन के खर्चे भी हम कम करने शुरू कर देते हैं और सेल्स हमारी गिरी रही है। कॉम्पिटिशन भी अब कम होना शुरू होता है, क्योंकि जब हम नहीं टिक पा रहे तो बाकी लोग भी टिकने कम हो जाएंगे, तो धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स भी बाहर जा रहे होते हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी हमारे डिक्लाइन होंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस घट रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के बीच का गैप घट रहा है, सेल्स वॉल्यूम घट रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हमारा सेलिंग प्राइस कब तक हाई रहा था? इंट्रोडक्शन स्टेज में हाई रहा, ग्रोथ स्टेज में हाई रहा, फिर कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से हमारी मेच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज में हमने सेलिंग प्राइस घटाया। क्या ग्रोथ स्टेज में भी हमें सेलिंग प्राइस कम करना पड़ता है? यस, कभी कभी कम करना पड़ता है, उसके कारण नीचे लिखे हुए हैं। ग्रोथ स्टेज में मेंटेन प्राइस एट हाई लेवल इन ऑर्डर टू रियलाइज मैक्सिमम प्रॉफिट्स, प्राइस रिडक्शन विल नॉट बी अंडरटेकन अनलेस, अगर ये कारण ना हो तो प्राइस कम मत करना। लो प्राइस, अब क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे मैंने खूब मार्केटिंग करी लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे मेरे प्रोडक्ट, तो भैया मार्केट में पेनिट्रेट करना है अगर, तो भैया आपको सेलिंग प्राइस घटाना ही पड़ेगा। अगर आपके प्रमोशंस करने के बाद आपके प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है कि वो बिक नहीं रहा, तो भैया फिर कैसे बिकेगा? या लोगों को समझ नहीं आ रहा आपका प्रोडक्ट, तो भैया प्राइस कम करो, और प्राइस कम करने के बाद पीपल गेट अट्रैक्टेड, नया नया प्रोडक्ट है वैसे भी, तो इसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब आप प्राइसिंग कम करके मार्केट में पेनिट्रेट करते हो, ठीक है, पेनिट्रेट मतलब मार्केट में घुसते हो। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द लो प्राइजेस विल लीड टू मार्केट पेनिट्रेशन, द फर्म हैज, अच्छा अब आपने सेलिंग प्राइस घटाओगे तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग खरीदेंगे, ज्यादा माल बनाने की क्षमता है आपके पास, अगर है तो सेलिंग प्राइस घटा दो, क्यों बढ़ा रखा है? सेलिंग प्राइस बढ़ा के कम कम माल बेच के, जबकि क्षमता तुम्हारे पास लाखों यूनिट्स बनाने की है, हजारों यूनिट्स बना रहे हो खाली, और सेलिंग प्राइस बढ़ा के क्या फायदा उसका? इससे अच्छा सेलिंग प्राइस घटाओ और लाखों का माल, लाखों माल तैयार करो, अगर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है आपकी तो। ये वाली बात समझ आई मेरी? दोबारा सुन लो एक बार, बड़ी रियल लाइफ में यूज में आएगी, कि मैम प्राइस बढ़ा के रखें या घटा के रखें हम सेलिंग प्राइस? अगर आपके पास बनाने की, फिनिश गुड्स को बनाने की क्षमता बहुत सारी है, अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो आप हाई प्राइसेस रख के कम कम माल बेचो और खाली बैठे रहो, अपने स्टाफ को खाली बिठाए रखो, क्या फायदा? आप सेलिंग प्राइस घटा के ज्यादा माल बेचो और अपनी पूरी प्रोडक्शन क्षमता का इस्तेमाल करो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्म हैज सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब द इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, एंड तीसरा सेलिंग प्राइस तो घटाने ही पड़ेंगे अगर कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए ग्रोथ स्टेज पे, जो आने शुरू हो जाते हैं, और अगर उन्होंने आके एकदम से मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपको सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा, उनके कॉम्पिटिशन को ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। सो दीज आर द स्टेजेस फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ। अब हम कुछ नहीं पढ़ना अब इसके अंदर हमको, ये आपका एक ग्राफ है देखिए जरा, सेल्स आर इंक्रीजिंग ओवर टाइम, ग्रोथ फिर मेच्योरिटी में स्टेबलाइज होती है, एंड फिर डिक्लाइन में आपका सेल्स गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक सेकेंड, अब हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, पीएलसीसी का फायदा क्या है? फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं इंटरेस्टिंग फायदों से बात करूं यहाँ पे, तो पहले मैं इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन की बात करना चाहूंगी। भाई सेलिंग प्राइस क्या रखना है, उसके लिए एक तो मैंने आपको टारगेट कॉस्टिंग, अगर आपने टारगेट कॉस्टिंग का लेक्चर देख लिया होगा तो उसमें हमने बता रखा है कि मार्केट में माल कितने का बिकता है वही सेलिंग प्राइस रखना होता है। पर ये तो प्रोडक्ट हम फर्स्ट टाइम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, तो हमें प्राइस फिक्स करना होगा। प्राइस फिक्स करने के लिए हमें कॉस्ट जाननी जरूरी है। कॉस्ट किसकी? गुड्स को बनाने का खर्चा, या गुड्स को जब हमने इंसेप्शन के प्रोसेस पे थे, रिसर्च कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, डिजाइनिंग कर रहे थे, वो सारे खर्चे भी तो लेके चलने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जब लास्ट में ये प्रोडक्ट की सेल्स होंगी नहीं, लेकिन खर्चे तो वहीं के वहीं टिके पड़ जाते हैं, और शुरुआत में भी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारी कॉस्ट को जोड़ के सेलिंग प्राइस को रखते वक्त मद्देनजर रखना पड़ेगा ना हमको, ये सारे खर्चे।
आपको पता है खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन के खर्चे। प्रोडक्शन के खर्चे तो बहुत आसानी से अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग जान लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू नहीं होती उससे पहले के जो रिसर्च के खर्चे हैं, डेवलपमेंट के खर्चे हैं, इनको भी तो असर्टेन करने का पर्पस होना चाहिए। ये सारे खर्चे कौन पे करेगा? इनिशियल लेवल पे, इंट्रोडक्शन लेवल पे इतना खर्चा हो रहा था, प्रमोशन का खर्चा हो रहा था, वो कौन पे करेगा? तो ये सारे खर्चे असर्टेन करने, पीएलसीसी कहता है ये सारे खर्चे असर्टेन करो, प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन खर्चे, इनको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन खर्चे। सो प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों असर्टेन करने के बाद हम लोग प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस को रखते हैं सो कि हमारे को प्रॉफिट बचे। तो प्राइसिंग बेटर होती है, देखिए यहां पे, प्लस मार्केट कंसिडरेशन को तो हमें ध्यान में रखना ही होता है कि मार्केट में माल कितने का बिक सकता है, टारगेट कॉस्टिंग को ध्यान में रखिए। सो प्राइसिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव शुड इंक्लूड मार्केट कंसिडरेशन ऑन वन हैंड एंड कॉस्ट कंसिडरेशन ऑन द अदर हैंड। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग हेल्प एनालाइज बोथ दीज कंसिडरेशन एंड अराइव एट एन ऑप्टिमल प्राइस डिसीजन। अच्छा आगे सुनिए, यहाँ देखिए प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट तो सबको पता होती है, अकाउंटिंग सिस्टम से पता चल जाती है, लेकिन प्री प्रोडक्शन कॉस्ट की भी एनालिसिस करनी होती है। क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके बारे में सब खर्चे का अनुमान लगा लें, तो अभी से पता चल जाएगा ना कि मान लो माल उतने का नहीं बिक पाएगा मार्केट में, तो फिर हमें कॉस्ट शुरुआत से कम करके चलनी पड़ेगी। हम रिसर्च में भी लिमिटेड पैसा लगाएंगे, हम डिजाइनिंग में भी लिमिटेड पैसा लगाएंगे, हम कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे इसके बारे में भी हम डिसीजन ले सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए डेवलपमेंट पीरियड, देखिए यहाँ प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, डेवलपमेंट पीरियड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन इज अ लॉन्ग एंड कॉस्टली, अ हाई परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मे बी इनकर्ड बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन बिगिंस, हेंस कंपनी need accurate information on such cost for deciding where to continue with research and development or not. और PLCC ही है जो ये stress डालता है कि हाँ भाई product की cost को ascertain करनी है, सिर्फ production की ही नहीं pre-production cost या non-production cost भी ascertain करनी है। अच्छा आगे सुनिए, overall cost का analysis भी होता है, production cost are accounted and recognized by routine accounting system. However, non-production costs like research and development, design, marketing, distribution, customer services are less visible on a product-by-product basis. PLCC focuses on recognizing both production and non-production cost. What do you mean by time-based analysis? Time-based analysis का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक calendar year का ही cost नहीं निकालते, हम project की लाइफ की पूरी कॉस्ट निकालते हैं, कब कब कितना कितना खर्चा होगा उसका पैटर्न समझते हैं, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट ओवर सेवरल कैलेंडर पीरियड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी एनालाइज्ड बाय टाइम पीरियड्स। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैन बी रिपोर्टेड एंड कंपेयर्ड विद प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कब कॉस्ट ज्यादा है किस किस पीरियड में, कब कब रेवेन्यू ज्यादा है, ये सब हमको पता चलता है। बेटर डिसीजन मेकिंग तो होगा ही होगा जब आपको प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से, रिसर्च से पहले ही पता है कि कितना कितना खर्चा होने वाला है आने वाले वक्त में, आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना है, कहाँ ज्यादा खर्चा करना है, कब नहीं करना है। बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू द कॉस्ट एटलीस्ट विद इन अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल स्टेज बेटर डिसीजन कैन बी टेकन। लॉन्ग रन होलिस्टिक व्यू, अगर आपने जब तक पीएलसीसी नहीं पढ़ा था, आप आज बिजनेस खोलने जाते, एक प्रोडक्ट लॉन्च करते, आप सीधा बोलते यार ये कितना बिक जाएगा, ये कितना बिक जाएगा, कितना मेरा को रेवेन्यू आ जाएगा, आप कभी भी एक लॉन्ग रन एटीट्यूड नहीं लेके चलते। मतलब माल जब बनेगा तब बिकेगा, माल बनने से पहले की भी स्टेज होती है, माल बनने के बाद जब प्रोडक्ट लास्ट की इयर्स में बिल्कुल मर जाता है, मार्केट से आउट होने वाला होता है, वो इयर्स भी झेलने पड़ते हैं क्योंकि तब माल कम कम बिक रहा होता है और खर्चे वहीं के वहीं होते हैं, स्टाफिंग वहीं की वहीं होती है। तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग रन एटीट्यूड लेके चलते हैं, मतलब खर्चे शुरुआत में ज्यादा, बाद में ज्यादा और रेवेन्यू बीच में ज्यादा आता है। तो सारे खर्चों को हम स्प्रेड कर देते हैं, मतलब हम सारा खर्चा, पूरे प्रोडक्ट लाइफ का खर्चा हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक साल का प्रॉफिट, दो साल का प्रॉफिट नहीं, पूरे प्रोडक्ट लाइफ में कब कब प्रॉफिट कितना कितना होगा अंदाजा हम उसका लगाते हैं। देखिए
Product life cycle costing can promote long-term rewarding in contrast to short-term profitability rewarding. It provides an overall framework for considering total incremental cost over the entire lifespan of product, which in turn facilitates analysis of parts of the whole where the cost effectiveness might be improved. कहाँ कहाँ cost को improve किया जा सकता है? Life cycle budgeting, हम पहले से budgeting तैयार कर सकते हैं, एक साल का नहीं, पूरे product की life जो है, इंट्रोडक्शन स्टेज, आपका क्या कहते हैं ग्रोथ स्टेज, आपका मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज, हर स्टेज पे कब कब कितना कितना खर्चा होगा उसकी बजटिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एस्टीमेट करने से क्या होता है ना कि पहले से जब हमें पता होता है कि इतना हमें खर्चा करना है तो हम पहले समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये खर्चा हम करने के सक्षम है और ये खर्चा हम नहीं करना चाहते, तो हम वो खर्चा अवॉइड कर सकते हैं, कमिट तो नहीं कर देंगे, कम से कम कमिटमेंट से बच सकते हैं। मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि इतना पैसा रिसर्च में खर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा या ये प्रोडक्ट में इतनी रिसर्च की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले से वो खर्चा कमिट नहीं करूंगी। पहले से अगर मैं अनुमान लगा के चलूं तो मैं खर्चे को सही अमाउंट में खर्च करूंगी। वही लाइन यहाँ लिखी हुई है, लाइफ साइकिल बजटिंग, दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग विद टारगेट कॉस्टिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन एट डिजाइन स्टेज इटसेल्फ since costs are avoided before they are committed or logged in the company is benefited. और review का मतलब यही है कि हमें feedback मिल जाता है, हमारे को क्या बोलते हैं long term एक picture दिख जाती है, तो हम better तरीके से अपने product profitability को review कर सकते हैं। मोटा मोटा इसमें बेटा जो importance है ना वो क्या है, time based analysis है, मतलब एक साल का analysis नहीं है ये, over a period of time है, first point। ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसमें हम कैलकुलेट करते हैं और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी एस्टिमेट करते हैं। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का भी एनालिसिस हो जाता है कि कब कब रिसर्च डेवलपमेंट हम कितना अवॉइड कर सकते हैं, कितना हम इनकर कर सकते हैं। इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग रखना है तो भैया पूरे प्रोडक्ट की लाइफ में खर्चा कितना हो रहा है वो पहले कंप्यूट करो। बेटर डिसीजन मेकिंग, और फिर ये जनरल है, लॉन्ग रन, होलिस्टिक व्यू, लाइफ साइकिल बजटिंग एंड रिव्यू, इसमें आप कुछ भी अंदर मेटल सकते हैं, हेडिंग्स यही रखना है आपको, ठीक है। ये थी हमारी थ्योरी पोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे ही क्वेश्चंस हैं, तो अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये इसका थ्योरी पोर्शन था, इससे ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। चलिए।